क्या समझ रहे नहीं चाह रहे मेरी बात को एक। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। अरे आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। यार ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, तो ठीक कौन कह रहा है? ये तो मैं कह रहा हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यार आप लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं यार। मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह से ना आप लोगों को मैं चप्पी डाल दूं जोर से। थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना जबरदस्त फीडबैक हमें मौसूल हुआ, इतनी आपने तारीफें की कि मैं क्या, मेरी पूरी टीम खुशी से फूले ही समा ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने तो मुझे रिक्वेस्ट कर दिया कि यार चलो मैं आपको खाने पिलाने लेके जाऊं। बट कोई मसले की बात नहीं है, बस आप इसी तरह प्यार करते रहें और हम इसी तरह लोगों को खिलाते भी रहेंगे और पिलाते भी रहेंगे। आज की जो हमारी मेहमान हैं, इतनी कोई पढ़ी लिखी लड़की हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इन्होंने फिजियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी हुई है, इन्होंने जूलॉजी भी पढ़ी हुई है। ये सारी वो चीज़ें हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये क्या हैं जब तक उन्होंने बताया नहीं। इसके अलावा अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हुई हैं, बहुत उनको मोहब्बत है अपने घर वालों के साथ। वाइल ग्रोइंग अप ना उन्होंने कभी टीवी देखा, ना उन्होंने ड्रामे देखे, ना उन्होंने फिल्में देखी, आज फिर भी वो हमारे मुल्क की एक जानी मानी अदाकारा हैं। मुझे लगता है कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेसेस इन पाकिस्तान। क्या वजह है कि हमारे डायरेक्टर्स उनकी पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहे? बहरहाल आज जब वो यहाँ पे आ चुकी हैं, हम उनके सारे टैलेंट्स को टैप करेंगे, पूछेंगे उनसे कोई गर्मा गर्म सवाल, क्योंकि उनकी थोड़ी सी आजकल गर्मा गर्मी भी चल रही है कुछ लोगों के साथ। लेट्स वेलकम सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, सो गुड टू मीट यू, थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हाय। लुक एट यू हसन, लुक एट यू, माय गॉड, हसीन। आपके सामने तो सभी फीके पड़ जाते हैं सोनिया। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? माशाल्लाह महीना डेढ़ हो गया आप टोरंटो से वापस ही नहीं आ पा रही, क्या हुआ है? कुछ कुछ झूठ भी है। यही मैं जानना चाहता था। नहीं नहीं, एक्चुअली वेकेशंस के लिए तो गई थी, लेकिन नहीं, काफी टाइम हो गया मुझे वापस आए हुए। काफी टाइम हो गया ना, क्योंकि मार्केट में ये रूमर फैला हुआ है कि सोनिया अभी तक टोरंटो में ही है। क्योंकि मैं नजर नहीं आ रही ना मार्केट में। तो रूमर फैलाना पड़ता है। ये अच्छा सवाल है कि आप क्यों नजर नहीं आ रही, और इस पर हम थोड़ी देर में भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे बाकायदा तौर पे। पहले मैं सोनिया बात करना चाहता हूँ एक वीडियो की जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, ओफा हाउस जो आपने खरीदा और आपने गिफ्ट किया अपने पेरेंट्स को, सो स्वीट यार, इतनी वो प्यारी वीडियो थी, बताएं ना उसके बारे में, बताएं हमें। तो या इट वाज सच अ प्रेशियस मोमेंट। बेसिकली हसन, जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह कोलीग्स हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ओ इतना अर्ली एज में आपने कैसे ये इतना वो हो गया, मतलब ऑब्वियसली कराची में प्रॉपर्टी लेना इट इज अ बिग डील दीस डेज। मगर अगर देखा जाए तो वो एक दो साल की जर्नी नहीं है, ये एक बहुत पुरानी जर्नी है जो मैं बहुत पहले से, शायद 9 या 10 साल की थी तब से मैंने डिसाइड किया था कि, बल्कि मैं जिनको नहीं पता उनको बताऊं, जब सोनिया बहुत छोटी सी थी तब से उन्होंने ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। है ना, हमेशा से माशाल्लाह आपने अपने फैमिली को जिस तरह से सपोर्ट किया है, बहुत कमेंडेबल है, बहुत। और आई थिंक सपोर्ट की बात भी नहीं है, वो सुनने में आई थिंक बहुत उस तरह से लगता है, मुझे अच्छा लगता है, जैसे इंडिपेंडेंट होना किसी से। बहुत छोटी उम्र में मुझे, अगर मुझे कोई चिप्स भी लेने जाने होते थे तो मुझे ये होता था कि मैं अपने अब्बा से ना कहूँगी मुझे 10 रुपये दे दे, मतलब मेरे पास अपने पैसे होने चाहिए। तो प्रॉब्ली वो एक बात थी जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद अर्न करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है ये, मतलब आई रियली लाइक इट। तो क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि यू आर एबल टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स? बिकॉज मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि आप एक ऐसी आर्टिस्ट हैं कि जितना
पैशन या प्यार आपको अदाकारी से है वो एक तरफ, लेकिन ज्यादातर अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी की आप नापती तोलती हैं अपनी पर्सनल लाइफ से, नॉट थ्रू योर प्रोफेशनल लाइफ। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मुझे लगता है शायद मेरी जो जिंदगी का जो मकसद है ना, वो बस ऐसे अम्मी अब्बू से ही शुरू होके बस उन पे ही ख़त्म हो जाता है। तो काम कर रही हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, शायद सांस भी ले रही हूँ उनकी वजह से। आपकी सारी यूनिक मेमोरीज भी इसी से रिलेटेड है। एक मुझे पता चला बड़े मजे की एक कहानी है, वो बताएं ना, वो ईद के ऊपर चांद रात का कोई किस्सा है, जो कपड़े शपड़े आपको चाहिए थे और नहीं मिल पा रहे थे। ओह, वो तो बहुत बचपन की बात है। अच्छा, ओके, तो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मेरी मेमोरी है मेरी अम्मी के साथ। आई रिमेम्बर, मैं और मेरी बहन, हम में एक साल का डिफरेंस है। तो चांद रात हो गई थी, हम बैठे हुए थे और हम लोग ना रूम में थे और वो अम्मी ढूंढ रही बच्चे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो वहाँ के देखती हूँ, ब्लैंकेट उठाती हूँ, दोनों रो रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो एक्चुअली हमारे ईद के कपड़े संभाव आ नहीं सके, तो क्योंकि अब्बू जो है वो बहुत बिजी रहते थे बचपन में, उनकी जॉब टाइमिंग्स ऐसे थे तो वो एक एक हफ्ता नहीं आ पाते थे। तो इवेंचुअली वो आई, वो अम्मी मेरी बहुत ही, जैसे एक बहुत ही शाय वुमेन है, वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकली, किसी से बात नहीं, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप आप समझ लें। तो अगर वो डोर खोलने भी जाती है ना, तो वो डर जाती हैं कि पता नहीं कोई आ ना जाए उस तरह से। तो उन्होंने उस दिन देखा, उन्होंने कहा रात के कोई सुबह के 3 बजे थे, सुबह ईद थी, उन्होंने कहा चलो उठो मैं तुम लोगों को लेके चलती हूँ। अब वो जा रही हैं, वो रोड्स पे चल भी रही हैं, वो डर भी रही हैं, वहाँ पे लोग देख भी रहे हैं कि एक खातून 2 बच्चियों को लेके जा रही है, मतलब वो चीज़ इतनी रात को। और वो, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, आई थिंक 7-8 साल की थी, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलती कि ये एक शख्स है मैं हमारे साथ जो इतना खुद डर रहा है लेकिन हमें किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। उस दिन जो मुझे है ना सही, एक जो होता है ना वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ की एक पहचान हुई कि औरत अगर चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती, मतलब कैसे अपने आप को बदल नहीं सकती अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने कहा कि बस ये मेरी माँ है जिसके लिए अब मुझे पूरी ज़िंदगी लगानी है। और मज़े की बात कि सोनिया को जब उनका अपना पहला पेचेक मिला फरवा की ABC के लिए, उससे आपने क्या किया बताएं? तो ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं अपने उससे पेरेंट्स के साथ, मतलब मुझे शौक था कि अल्लाह का घर देखें आप जाएं, एक हमेशा से आपकी एक ख्वाहिश होती है। मैं लगती नहीं हूँ बहुत, लेकिन थोड़ी बहुत रिलीजियस भी हूँ। तो मैंने सोचा था कि अम्मी अब्बू के साथ जाऊँ। तो जब मैं गई हूँ उनको, मैं उनको सामने लेके गई, उनको यकीन नहीं आया इस बात से, मतलब ये आई थिंक वो मोमेंट्स है कि शायद अगर मैं, मुझे लगता है कि मैं कल, अगर कल मैं यहाँ पर ना भी मौजूद हूँ इस दुनिया में, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वो सारी जो मैं सोचती थी कि ये मुझे देखना है इनके चेहरों पर, वो मिल चुका है मुझे। तो अपने पहले पे चेक से सोनिया ने अपने पेरेंट्स को उमरा कराया। यार ये कितनी 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 अच्छी बेटी हैं आप सोनिया। कितनी क्यूट, कितनी मतलब खुशी की बात है। ये जो जर्नी आपकी रही है तब से लेके अब तक एक्ट्रेस बनने तक, सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया है? आई थिंक किसी एक को तो नहीं मैं कहूँगी, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी अम्मी ने तो हमेशा ही सपोर्ट किया, लेकिन मेरे फादर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको अपने फादर की तरफ से याद है कि ओ यहाँ ये है कि वो बहुत यू नो प्रोटेक्टिव रहते थे कि हर जगह जाके वो कहते थे कहाँ जा रही हो, कब आओगी और ये वाली चीज़ें, वो जो कि होना भी चाहिए क्योंकि फिर ऑब्वियसली बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, उन्होंने हमेशा परमिशन दी है। तो मुझे लगता है कि एक फादर की तरफ से परमिशन होना और उनकी तरफ से हाँ होना ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और माशाल्लाह जो अब जितने प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, जो वो डिसीजन लेनी होती है कि ये करूँ या ये नहीं करूँ, उसमें कोई आपको हेल्प करता है या वो आपकी अपनी इनसाइट है खाली या फोरसाइट? नहीं, बिल्कुल हेल्प करता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी सारी स्टोरीज बताती हूँ, सारा स्क्रिप्ट बताती हूँ, क्योंकि वो एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं तो वो बताते हैं अच्छा उसके बाद क्या हुआ। जब वो ये कहने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है ओह दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जैसे मैं अभी जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक कदर वाला प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो होम शेफ एक लड़की है, सुनने में तो मुझे बहुत ही एक ऑर्डिनरी सी स्टोरी लगी। मैंने कहा क्या ये अपने हस्बैंड को खड़ा करती है और घर से खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे घर पे जो डिलीवर करती थी खाना कोरोना टाइम्स में, क्योंकि हमारे पास शेफ़ नहीं था, तो उनसे जब मैंने डिस्कस की तो वो रोने लग गई
वो कहने लगी ये लिटरली हमारी स्टोरी है, वाकई में हमारे पास घर में खाना खाने को कुछ नहीं होता था और हमने पास्ता बनाने से स्टार्ट किया. तो मैंने कहा लिटरली लोग कितना रिलेट करेंगे इस बात से. तो उसके बाद मैंने सोचा तो मैं हर किसी से डिस्कस करती हूँ, मतलब जब साइन कर रही होती हूँ प्रोजेक्ट, और स्पेशली वो लोग जो उस फील्ड में हैं. तो अब जैसे आपने तिंके का सहारा की बात की, मैं तो हर बार हैरान रह जाता हूँ कि पता नहीं जो भी आप स्क्रीन पे किरदार बन के आती हैं आप वही लगती हैं, आप वही नजर आती हैं, कैसे, क्या क्या जादू है आपके पास. मैं हर बार आपसे यही सवाल पूछता हूँ. मैं आपको सच बताऊँ तो ये एक बहुत ही, मैंने एक बाय द वे करके प्रोजेक्ट साइन किया था क्योंकि सर आपके इट वाज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर. अच्छा मैं नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. पिछले हफ्ते उसकी एपिसोड आई है, वो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था. और जब मैं अभी लाहौर गई हूँ तो वहाँ पे भी काफी लोग एयरपोर्ट पे मुझे मिले कदर कदर. मैंने कहा अच्छा कौन सा, ये कौन सा ड्रामा है. मैंने कहा मैं तो करके भी भूल गई थी ड्रामा. नहीं लेकिन मुझे लगा कि चल बेसिकली मैंने शराब के बाद कोई मुझे इतना पावरफुल कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा था कि जो मैं करूं. तो अब द क्रेडिट गोज टू मोमल भाभी के उन्होंने इतना पुश किया कि सोनिया कर लो. फिर मैंने कहा अच्छा चलो हाँ पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं कर लेती हूँ. तो मैंने बस ऐसे ही वो प्रोजेक्ट कर दिया था. बट नहीं उसका बहुत अच्छा एक इनफैक्ट समी के कैरेक्टर से ज़्यादा हमारे उसको उस ट्रैक को बहुत मिला. और ये बात जो हम कहते हैं ना कि लोग मार पिटाई पसंद करते हैं, नहीं लोग मोहब्बत भी बहुत पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं और देखना चाह रहे हैं कि अच्छा हस्बैंड वाइफ किस तरह से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं. आपकी और हारून की केमिस्ट्री की बड़ी बात हो रही है. ओह माय गॉड, पहले आपकी और जाहिद की केमिस्ट्री की, फिर कभी आपकी और समी की केमिस्ट्री की, अब हारून की केमिस्ट्री की. मेरे ख्याल में सारी केमिस्ट्री आप में है. हारून इज सच अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क रियली. ओह माय, मतलब वो बहुत ही प्यारा इंसान है लेकिन वो इतना इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है कि वो जब शूट पे भी आता है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कोई हीरो सेट पे आके बैठा है, वो वहाँ कहीं कोने में बैठा, वो एसी के पीछे अपने काम फोन में लगा होगा. मैंने कहा हारून इधर आओ, तो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर करो, आओ चलो बातें करते हैं, चलो गाने गाते हैं. तो इस तरह से फिर हमारी केमिस्ट्री बिल्ड हुई और फिर वो अंदर से भी बहुत क्यूट है तो वो क्यूटनेस स्क्रीन पे नजर आ रही है पर उसे निकलवाना पड़ता है. वो बहुत कहते हैं ना कम गो है, ज़्यादा बात नहीं करता. बट आपको नहीं लगता कि हमारा फोकस जैसे हम बात भी कर रहे हैं सम हाउ शिफ्ट हमेशा उसी तरफ होता है कि जो मार रहा है हस्बैंड अपनी बीवी को, यार वो वाली कहानी दिखाओ. ये क्या वजह है कि हम हारून और आपके जो किरदार है कदर और हमाद, ये वाली कहानियां हम दिखाने में चूकते हैं या डरते हैं या घबराते हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस को शायद ये कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग देखना पसंद. अब आप देखें इस ये प्रोजेक्ट वन ट्रैक हो सकता था, मतलब सिर्फ कदर और उसकी कहानी हो सकती थी, लेकिन राइटर से कह के एक और ट्रैक डलवाया गया कि यू नो कि व्हाट इफ़ के ये कैरेक्टर ना देखा गया तो लोग दूसरे कैरेक्टर को पसंद करें. तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को यू नो इंडल्ज करते हैं हर स्टोरी में, तो इसीलिए शायद समी का कैरेक्टर इतना वायलेंट रखा है उन्होंने. मैं हर बार एक बात करता हूँ कि आप हमारी इंडस्ट्री की सबसे अंडररेटेड एक्टर ये बात आप मानती हैं या नहीं? ये इंसल्टिंग बात है. नहीं अंडररेटेड मतलब आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है अभी तक उसको सही तरह से टैप नहीं कर पाए डायरेक्टर. डू यू अग्री विद दैट और नॉट? बेसिकली नो, आई डोंट अग्री विद दिस बिकॉज़ वैसे थैंक यू कि अगर आप ये बात कह रहे हैं. और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि आप एज अ परफॉर्मर डू यू फील अंडर यूटिलाइज्ड कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, स्किल है जो कि सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा इस कॉन्टेक्स्ट में? मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं बट मुझे ये लगता है हसन के जितने भी जो डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट्स हैं ना वो सारे स्क्रिप्ट सबसे पहले मेरे पास आते हैं. तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो है ना कि सोनिया इसको परफॉर्म कर सकती है. जहाँ तक बात ये है कि अंडररेटेड है तो वो शायद लोग उसको कंपेयर करते हैं कि ओ अगर इस प्रोजेक्ट को अवार्ड्स नहीं मिले तो शायद ये इतना हिट प्रोजेक्ट नहीं है. और अवार्ड्स की तो आपको पता है बिल्कुल एक अलग कहानी है वो. अब लेट्स नॉट गो देयर बट ये है कि हाँ नहीं लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं बहुत मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए ना सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं. तो मुझे वैरायटी करने को मिली है और मुझे लोगों ने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच भी किया है. तो अंडररेटेड तो आप जब होंगे जब आपको वो कैरेक्टर्स कभी यू नो पिच ही नहीं किए जाते. तो मैंने किए काफ़ी चीज़ें, मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए तो मैं एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइड हूँ. ऐसे भी कोई कैरेक्टर्स हैं जो आप अक्सर सोचती हैं यार किसी देख के यू नो इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट या सीरीज देख के यू सी अ कैरेक्टर और आपको लगता हो यार ये कितना मज़े का किरदार है, इससे मिलता जुलता अगर कोई किरदार हमारे ड्रामे में हो तो मैं बहुत इन्जॉय करूँगी, ऐसा कुछ है आपके ज़हन में? आई थिंक आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर फ्रॉम दिस मूवी गॉन गर्ल, आपने देखी? जी जी जी. बहुत ही
शैन स्टोन की बहुत ही ज़बरदस्त मुझे कसिनो रॉयल भी बहुत अच्छी थी और ये गॉन गर्ल भी, मुझे ये दो कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि कभी मिले तो मैं इसको बहुत इन्जॉय करके इसको। सोनिया, हमारा एक सेगमेंट है बड़ा मज़े का, उसका नाम है अवाम की आवाज़। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो जैसे दो हाथ है ना, ये अवाम के हाथ है, वो देखें आप, वो जो है सीट्स, ये अवाम के हाथ हैं। अब हम अवाम के हाथों में जाएंगे, वहाँ पे ना हम आपको एक जबरदस्त सा पैकेज, अवाम नहीं छोड़ेगी फिर तो। क्यों क्यों ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्या कर दिया आपने सोनिया? नहीं तो हम जाएंगे और हम, हमारे एक भाई हैं सरफराज भाई, वो अवाम में जाते हैं और हमारे सारे गेस्ट का ओपिनियन अवाम से लेते हैं। अच्छा। तो उससे पता चल जाता है कि आपके, आपका जो इम्प्रेशन है कि लोग, ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है, वो पता चल जाता है आपको सही है या गलत। सही। तो आए उधर चलते हैं और उधर चलकर हम अवाम की आवाज सुनते हैं। ठीक है, आई जी सुनते हैं अवाम की आवाज। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरफाद मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका सोनिया हुसैन, करती क्या है बताएगी अवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। सोनिया हुसैन को जानती, टिंके का सारा ड्रामा जिनका चल रहा है अभी, अच्छी है ना? जी जी, कैसी कैसी एक्टर हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है, मासूम है या तेज है? मासूम। मातुमती है। अच्छा ये बताइए, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है या फेस वाइज अच्छी? फेस वाइज अच्छी है। फेस एक्टिंग अच्छी नहीं है, बस नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा ये बताइए, किस एक्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं आप? समी खान। समी खान के साथ अच्छी लगती हैं। कैसी लगती हैं आपको ये? अच्छी है। अच्छी एक्टिंग कैसी है? अच्छी है। अच्छा कौन से एक्टर के साथ अच्छी लगेंगी ये? इमरान अब्बास। अच्छा कोई एक एक्टर बताएं जिसके साथ ये ज्यादा अच्छी लगती हैं? अगर हुमायूं सईद इनके साथ हूँ तो अच्छी लगेगी। ज्यादा खास नहीं है। ज़्यादा खास नहीं है एक्टिंग। अच्छा वैसे बंदी अच्छी लगती? वो अच्छी है, एक्टिंग अच्छी नहीं करती है। कैसी लगती है? साइको टाइप। भाई एक्टिंग एक्टिंग होती है। आपको अच्छी लगती है? नेगेटिव और पॉजिटिव चलेगा? सारे अदाकार को तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही करना पड़ता है। नहीं देखती मूवीज भी नहीं देखती? अच्छा हुमायूं सईद को जानती है? फहद मुस्तफा को जानती है? जी बिल्कुल जानती हूँ। कैसी एक्टिंग है? एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। अच्छा ये बताइए कि जो ड्रामे आपने देखे हैं उसके अंदर एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग अच्छी। आउट ऑफ 10 कितने दें? 10 प्लस दूंगी मैं। सोनिया हुसैन कैसी एक्टर है ये बताइए? एवरेज है। एवरेज है, बेस्ट नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। कोई भी ड्रामा नहीं देखा? कोई भी ड्रामा नहीं देखा। कैसी एक्टिंग? अच्छी है। टिंके का सारा ड्रामा भी चल रहा है, कैसा लगता है आपको? वो मैंने नहीं देखा। किस एक्टर के साथ ज्यादा अच्छी लगती है? समी। कैसी एक्टिंग है बता दी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है ना, आउट ऑफ 10? 10 अच्छी है। आप बता दें अच्छी है, कैसा चल रहा है इनका ड्रामा? बहुत जबरदस्त एक्टिंग किया है ना। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? 10 ऑफ 10 दूंगी। आप कितने देंगे आउट ऑफ 10? 9। सोनिया हुसैन को जानती है मैम? बिल्कुल जानती हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट एक्टर है ये। अच्छा इनकी आवाज पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा बताएं इनकी एक्टिंग कैसी लगती? A1। इनके ड्रामे का नाम बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? इनके का सारा ही है। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा ड्रामा है। इनकी एक्टिंग? बहुत अच्छी। इनोसेंट है या बहुत तेज? तेज है, शार्प है। शार्प है, आइडियल है। आइडियल है किसकी? मेरी। आपकी या सिर्फ आपकी पूरी फैमिली की? मेरी पूरी फैमिली की, लेकिन फीमेल्स को इनकी तरह ही होना चाहिए। फीमेल्स को इनकी तरह होना चाहिए, ये तो बड़ी खूबसूरत। कैसा लगा सोनिया आपको ये फीडबैक सुनके? अच्छा लगता है, मतलब obviously व्यूअर्स से इतने ज़्यादा आपका वो नहीं हो पाता, तो आई थिंक ये बड़े ज़बरदस्त सेगमेंट है। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी कि ज़्यादातर obviously 90% लोगों ने कहा कि आप बड़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं, 10 से भी ज़्यादा मार्क्स दे दिए, 10 दिए, 9 दिए, एक बीच में थी वो कह रही है एवरेज हैं, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या वजह होती है। बेसिकली जब मैं सराब ड्रामा के, और यूजुअली कैरेक्टर्स भी इस तरह के होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं आपको बहुत लाउड भी होना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत लाउड जब देखते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कैरेक्टर की डिमांड ऐसी है। ऑब्वियसली आपको पता है सराब कैसा था, उनको ये लगता है कि ओ अच्छा शायद ओवर एक्टिंग हो रही है। तो सराब में तो बहुत, मतलब सराब की तो आपकी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी, तो आई थिंक शायद उल्फत के किरदार की वजह से कह रहे हो,
मोहब्बत हो सकता है। हाँ, लेकिन उल्फत को तो लोगों ने इतना प्यार दिया। मुझे लगता है अगर 60% लोगों ने शराब देखा है तो 110% लोगों ने उल्फत वाला ड्रामा देखा है और उल्फत को बहुत पसंद करते हैं। बट आर यू सरप्राइज लोग तिनके का सहारा देख रहे हैं और इतना? आई एम वेरी सरप्राइज, मतलब मैं तो बिल्कुल, आई थिंक मैं थोड़ा सा दूर भी थोड़ा टाइम रही हूँ तो मैं तक कनेक्टेड नहीं हूँ इस ड्रामे से, मैं फॉलो भी अभी नहीं किया, लेकिन मैं बड़ी सरप्राइज हुई हूँ जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत अच्छा इसको फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा, जाहिद का किसी ने नाम नहीं लिया? बड़ी हेल्प की बात है कि आपकी सबसे जाहिद के साथ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। बट टू पीपल सेड समी एंड समबडी सेड दैट लाइक टू सी यू विद इमरान अब्बास। प्रोबब्ली इमरान के साथ एक कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ हुआ भी था तो शायद हम करें भी जल्दी का। और हुमायूं? हुमायूं तो बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, ही इज सच अ गुड हीरो। तो या वो हमें पता है आपने मेरे पास तुम हो नहीं किया था। पुरानी बात हो गई है लेकिन मतलब नहीं, कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा ना, जो अच्छा फीमेल कैरेक्टर होगा तो वो जरूर करोगे। हुमायूं बेसिकली मुझे मिले भी थे एक लाइक अ मंथ अगो, कह भी रहे थे कि सोनिया हमने क्यों नहीं आज तक काम किया, तो मैंने कहा फिर तो वो कह भी रहे थे कि कोई स्क्रिप्ट ऐसा लिखवाता हो जो तुम्हारी पसंद का हो। मैंने कहा ठीक है। आपको रिग्रेट्स होते हैं कभी कभी कि इतने प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं उनमें से आप कुछ कर पाती हैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ अपनी मर्जी की वजह से नहीं कर पाती, कुछ डेट्स के इश्यूज हो जाते हैं, बाद में आपने कभी रिग्रेट किया कि अरे यार ये ड्रामा निकल गया हाथ से? सच कभी भी नहीं, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं और जो आए नहीं या किसी वजह से रिप्लेस कर दिया गया, किसी और एक्टर को ले लिया गया, वो प्रोजेक्ट कभी स्क्रीन पे ही नहीं आए। पता नहीं क्या बात है। पता नहीं फॉर्चुनेट सी नहीं अनफॉर्चुनेट, लेकिन नहीं मैं मतलब प्रोड्यूसर के लिए तो अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन नहीं मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया। और जब मैं देखती हूँ तो वो मुझे लगता है कि शायद मैंने ठीक ही किया जो छोड़ दिया। आई थिंक कम काम करना फिर बेहतर होता है, रादर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और क्वालिटी अच्छी ना हो उसकी। तो ये आवाम की जो आवाज़ है, आप इससे कितना अग्री करती हैं ये बताएं? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आवाम गलत तो नहीं कहती। हाँ। और जो अगर कुछ जिस तरह एकत ने बोला भी कि हाँ एवरेज है, और इस तरह के कमेंट्स को आप किस तरह से देखती हैं? नो आई मीन ठीक है, मतलब ऐसा भी होता है, इसमें कैसी बात है, मतलब क्रिटिसिज्म भी होता है। मेजॉरिटी जब इतना प्यार कर रही है तो एक आध लोगों को अगर नहीं भी अच्छे लगे तो क्या हो सकता है? नहीं तो ये भी अच्छी बात है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको तारीफ़ें ही मिले, आपको क्रिटिसिज्म मिलता है तो उससे ज़रा आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक वो होता है कि नहीं अच्छा बेहतर करना चाहिए। तो आप फीडबैक को कितना सीरियसली लेती हैं सीरियसली या नहीं? जैसे अगर कोई ड्रामा आया है आप क्या YouTube की उसकी एपिसोड के नीचे जाके देखेंगी कमेंट सेक्शन में कि लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा? Do you do that? नहीं, नॉट रियली, लेकिन आई थिंक अच्छा आइडिया, देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लोग जरा जेन्युइन देते होंगे। हाँ, नहीं मैंने कभी चेक नहीं किया। कोई भी परफॉर्मेंस जैसे अभी तिनके का सहारा में हम आपको एज कदर देख रहे हैं, आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को कैसे असेस करती हैं कि यार अच्छा हो गया या नहीं हो गया? आप खुद आप देखती हैं अपनी एपिसोड्स? हाउ डू यू नो? मैं सारे ड्रामास अपने फॉलो करती हूँ लाजमी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि अच्छा कहाँ पे क्या चीज़ मैंने गलत कर दी और कहाँ पे थोड़ा बेहतर हो सकता था, इस वजह से मैं ज़रूर देखती हूँ। और दूसरे कैरेक्टर्स भी देखती हूँ कि उसका पेस कैसा जा रहा है सीरियल का, लेकिन ये वाला कैरेक्टर मैं अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया, बट अब आवाम की आवाज़ सुन लिए तब जाके मैं जाके देखना शुरू करूँगी ये कैसा है। आवाम की आवाज़ पर मेरी रिक्वेस्ट पे जी जी ये आपने प्लीज़ ज़रूर देखना है। और आप लोग सब तो तिनके का सहारा देख ही रहे होंगे, लेकिन ये है द टॉक टॉक शो और ये आपने देखना कभी नहीं भूलना। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके सोनिया के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। मुझे ये बताएं कि आप ये बात मानती हैं कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात मानती हैं आप? नहीं मानती? ये आज पता लग रहा है मुझे। पता है अभी ब्रेक में मेरी टीम वाले कह रहे थे आप यूं करके ऐसे सोनिया को देख रहे हैं जैसे पता नहीं आप अपनी ख्वाबों की शहजादी को देख रहे हैं। मैंने कहा शहजादी तो फिर है ना फिर सोनिया, यार क्या बात है भाई। लेकिन मैं वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू। एंड यू आर गेटिंग यंगर डे बाय डे। मैं कैसे रिकवर करूंगा इससे? ये मैंने ये जो सारी बात करने का मकसद ये था, ये जो मैंने फाउंडेशन बिल्ड किया है कि मैंने आज आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। एंड आई ट्रस्ट यू टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कैंडिडली। जो भी ये 2-3 मसले हैं
मैं सच सवाल पूछूंगा, सच के सिवा कोई सवाल नहीं पूछूंगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी सच जवाब देंगे। हाँ, नहीं, नहीं, झूठ नहीं, सच के जवाब कोई जवाब नहीं देंगे। मुझे ये बताएं, जो हम बात कर रहे थे, व्हाई हैव यू बीन मिसिंग फ्रॉम द टिच बटन प्रमोशंस, क्या मसला है, आज बता ही दें, खुल के हो जाए बात। बट आई थिंक अब तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, सबको सब कुछ पता ही है, ऑब्वियसली द थिंग इज आउट ऑलरेडी, और आवाम को पता ही लग गया कि क्यों नहीं हूँ। तो पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, बट पेमेंट जो है वो इट वॉज द मेन इशू। पेमेंट वाला हमें पता चले, बहुत सारी क्या चीज़ें वो वाली बताएं, बहुत सारी चीज़ें। आई मीन सही है, ठीक है, अच्छा टाइम था, सारी चीज़ें थी, मगर कभी कभी आप लोगों की केमिस्ट्री कुछ लोगों से नहीं बनती, तो मैं ट्राई करती हूँ कि जहाँ पर नहीं आपकी वाइब मैच करी वहाँ आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें तो अच्छा होता है। तो टिच बटन पे कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब मैच नहीं? हाँ, नहीं। आप नहीं बताना चाहेंगी वो कौन लोग हैं? नहीं, मतलब नहीं। तो चले, मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जब आपने लीगल नोटिस भेजा, जो कि बिल्कुल आपका राइट है, और अगर किसी को पेमेंट नहीं मिल रही उनको बिल्कुल ये रास्ता अपनाना चाहिए, आपने स्पेसिफिकली उर्वा का नाम लेके वो लीगल नोटिस भेजा, जबकि प्रोड्यूसर्स में फरहान भी हैं, फरहान एंड उर्वा हैव जॉइंटली प्रोड्यूस द फिल्म शूटिंग स्टार स्टूडियोज, फिर ARY फिल्म्स भी हैं, सलमान इकबाल फिल्म्स भी हैं, तो ये क्या वजह हुई कि आपने नोटिस सिर्फ उर्वा को भेजा? अच्छा, ये वैसे ये काफ़ी लोग ये कह रहे थे आई थिंक सोशल मीडिया पे भी, लेकिन फरहान प्रोड्यूसर नहीं थे, फरहान ने शुरू से एज एन एक्टर ही इस फिल्म में काम किया है। उर्वा जो थी, शी वॉज़ द मेन फेस जो प्रोडक्शन देख रही थी, जो एज अ प्रोड्यूसर इसमें आई थी, और उन्होंने, शी वॉज़ द वन जिन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे भी प्रोड्यूसर का नाम उर्वा हुसैन ही लिखा था, वहाँ पे कोई और वो नहीं था। जहाँ तक ARY की बात है, तो ARY जो है वो बेसिकली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो आपके पैसों से कोई लेना देना। इस केस में वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, सलमान इकबाल फिल्म्स एंड ARY फिल्म्स। अच्छा, वो बहुत बाद में उसमें आए होंगे, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, वो मेरे और उर्वा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसके बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली आप उसी को अप्रोच करते हैं। तो आपने रीच आउट करने की कोशिश की, जैसे फरहान को या ARY फिल्म्स को या सलमान इकबाल फिल्म्स को, प्रायर टू सेंडिंग द नोटिस टू उर्वा आपने कोशिश की किसी से बात करने की? मेनी टाइम्स, मतलब आई एम नॉट दैट पर्सन जो उसको बिला वजह झगड़े करने का शौक है, और अभी भी कोई झगड़ा नहीं है। आई थिंक ये दिस इज़ द राइट अप्रोच, कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आपकी टीम को यू नो इंसल्ट किया जा रहा है, या उनको वेटिंग उस पर दिया जा रहा है, उनके फ़ोन्स नहीं उठाए जा रहे, तो आई थिंक ये आखिरी अप्रोच आपको यही बचती है कि आप लीगली अप्रोच करें, और शायद वो उसका जवाब देते हैं। उसका एक फिर ये भी सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने एहसन खान के शो पे एक्सप्रेस पे ही करीबन 1.5-2 साल पहले ये बात की थी कि आपको चेक नहीं मिला। वो तो मेरे मुंह से निकल गया था, और एहसन ने तो उस बात को इतना खींचा है। एहसन? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या हुआ एहसन? तो इन 2 सालों में आपने कभी भी नोटिस नहीं भेजा? तो लोग ये पूछ रहे हैं, यार फिल्म की, जब फिल्म रिलीज होने वाली है, प्रमोशन शुरू हो गया, आपने ये टाइम क्यों चूज किया? ये तो आप डिलिबरेटली फिल्म को हर्ट कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली जब एहसन का शो आया था, तो बात ऑलरेडी यू नो फैल गई थी लोगों में, तो मैंने उसी वक्त मैंने अपने लॉयर से कहा था, क्या हमें अभी इनको अप्रोच करना चाहिए? उन्होंने कहा, देखिए फिल्म ख़त्म होने के बाद 2 साल का टाइम पीरियड होता है कि वो शायद आपको अभी अप्रोच करके दे दें आपको वो चीज़ें, मगर उन्होंने हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अब बात ये हो गई थी कि इस वक्त आ गई थी कि फ़िल्म आने वाली है, प्रमोशंस स्टार्ट हो गई हैं, और सबको मतलब ये कहा जा रहा है कि सोनिया तो इज़ ऑन वेकेशंस, वो इस वजह से प्रमोशन में नहीं आ रही है, बिकॉज शी डजंट केयर अबाउट द फिल्म, जबकि असली रीज़न कुछ और था। तो आई थिंक अब भी जाके मैं अगर नहीं मांगूंगी तो फिल्म निकल जाएगी, फिर तो कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब आई डोंट केयर कि फिल्म में कितना रखा गया है, कितना चॉप कर दिया गया है, मुझे इन चीज़ों से कुछ नहीं है। आपके कैरेक्टर की आवाज़? हाँ, आई मीन जो आपकी मेहनत है, अगर वो उसके वो हो जाए तो ये अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ ये बहुत ट्रेंड है, आर्टिस्ट के पैसे नहीं टाइमली दिए जाते, तो मुझे लगता है कि अगर शायद मैंने इनिशिएटिव लिया तो आगे दूसरे एक्टर्स को भी ये होगा कि नहीं, आप अपने ही पैसे मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो कैसा फीडबैक रहा जब से आपने नोटिस भेजा है? तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से है समवन रीच्ड आउट टू यू, इस पे कुछ अग्रीमेंट हो रहा है, कुछ सलूशन निकला या नहीं निकला? अजीब बात हो रही है, उनकी मेरी लॉयर से मीटिंग हुई थी और वो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आई मीन ये पहले ही हो जाता तो शायद इतनी बात होती ना, बट चले इट्स ओके। इरफान साहब हैं, इज़ अ वेरी गुड गाय, वो मेरी आज़ादी भी के भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा हाँ इसको आप आराम से म्यूचुअली इसको कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। हाँ ठीक है, इट्स ओके।
बट वो ये चाह रहे हैं कि प्रमोशंस में भी आऊं, तो शायद मैं वो मैं ना करूं। प्रमोशंस आप नहीं करें, बट डू यू ओन द फिल्म टच बटन? बिलाखिर आपने काम तो किया, आपका एक गाना भी हमने देखा, इतना ज़बरदस्त, लोगों ने बड़े तारीफ की, बड़ा अप्रिशिएट किया। ट्रेलर में भी आपका जो अपेयरेंस है, ऐसा लगा नहीं कि आपका रोल कम है या चॉप किया गया या जो भी। तो वुड यू ओन टच बटन, आप ओन करेंगी? बिलाखिर आपकी अपनी फिल्म है। आई मीन जी, मैं फिल्म में हूँ, लेकिन जब तक आप अपने कैरेक्टर से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप नहीं ओन करना चाहते उस चीज़ को। तो आई डोंट नो, अब लोग जाके देखें, उनको पसंद आया तो अच्छी बात। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने किरदार से? नॉट। तो जब आपने ट्रेलर देखा, आपका क्या फीडबैक था, क्या रिएक्शन था? ट्रेलर पे तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेजेस भी आएंगे। सोनिया स्पेशली जो ये मैनी बोल दी, सॉन्ग तो वाकई बहुत अच्छा था और बहुत मेहनत की। कासिम अली मुरीद ने भी बहुत मेहनत की, बहुत बड़ा सेट लगा था, कासिम यार्तिवाना का सेट था, मतलब निगा जी कोरियोग्राफर थे और एक काफ़ी दिनों से सबकी रिहर्सल्स चल रही थी। तो नहीं, मेहनत तो सब ने अपनी जगह की है, ऐसी बात नहीं कि बगैर मेहनत। फिल्म में बहुत मेहनत लगी है, वो मेरे अपने जो पर्सनल रीजंस उसकी मतलब से, उसकी वजह से ये नहीं कि फिल्म बुरी है। फिल्म बहुत अच्छी है, लोग बहुत एंजॉय करेंगे जाके। ये कितनी अच्छी बात है भाई, पर्सनल इश्यूज अपनी जगह। सोनिया आपको कह रही है कि फिल्म बहुत दिल से बनी है जी, और बहुत अच्छी फिल्म है, तो आप लोग भी ज़रूर जाके देखें और उसका फीडबैक जरूर। इवन मैं ये तो कहना होता है ना कि खून पसीना लगा है, लिटरली खून पसीना लगा है। एक दफ़ा तो एक इवेंट पे फरहान को वो रिग खींच रहे होते हैं, तो फरहान की रिग, फिरोज़ वाली रिग किसी ने फरहान की खींच दी, तो फरहान नीचे लैंड करते करते दोबारा पीछे गए तो कोई लोहे की चीज़ थी उनके यहाँ सर पे लगी है, वो पूरा खून खून यहाँ पे। और एक दफ़ा मैं जब मैंने बोल दी कर रही थी, तो वो एक कील मैं स्टेप करी तो पूरे मेरे पाँव में चली गई, तो पूरा सेट रेड हो गया था वो ब्लड से। तो नहीं, लिटरली बाकी सब ने इंडिविजुअली बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और सोनिया, इश्यूज तो चलते रहते हैं, ये तो होता है, ये इंटरनेशनली भी हम सुनते हैं ऐसा होता है। प्रोजेक्ट को सफर नहीं करना चाहिए, और वो सोनिया भी यही बात कर रही है कि उनका प्रोजेक्ट से कोई इस तरह का गिला नहीं है, और शी इज ओनिंग हर प्रोजेक्ट, उन्होंने काम किया उसमें, और वो सबको कह रही है कि सब फिल्म जाके देखें। आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल बात है। सोनिया, एक और ऑफ कोर्स टिच बटन में वी गॉट फिरोज एंड दादल, आपकी जो दूसरी फिल्म है जिसमें आप बॉक्सर प्ले करी हैं, उसमें मोहसिन अब्बास हैदर हैं। दोनों के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस की बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, एंड योर समवन के आप हमेशा बहुत वोकल हैं इन मामलात पे, आप बड़ा स्टैंड लेती हैं, इवन किरदारों को लेकर जो आप प्ले करती हैं, आप बड़ी उस पर गहरी एक सोच और नज़र रखती हैं। सो हाउ डू यू सी दिस डिवेलपमेंट रिगार्डिंग फिरोज एंड मोहसिन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए हसन, एक कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल भी होती हैं। फिरोज़ और मोहसिन दोनों मेरे कलीग्स रह चुके हैं। बात यह है कि मैं वाकई इसके अगेंस्ट हूँ कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस का वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ये तो बहुत इनह्यूमन बात है। लेकिन मैं उन लोगों के घर के मामला पर्सनली नहीं जानती। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट भी किया जाता है। तो अनलेस कि मुझे पता हो कि एक्चुअल बात क्या है, तो मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकती। सिर्फ ये देखे कि वो मैंने पिक्चर्स देख ली हैं तो अच्छा, यू नो, यही एक विक्टिम है और वो कल्प्रिट है, हम इस तरह से नहीं उस चीज़ को ले सकते। जब तक कि मैं खुद ना देखूँ और ख़ुद दोनों पार्टीज से बात ना करूँ, मुझे पता हो कि अच्छा एक्चुअल रीज़न क्या था इसके पीछे, तो इस वजह से शायद मैं इस बारे में नहीं बात करूँ। तो मोहसिन और फिरोज़ दोनों के साथ आपने काम किया, कभी आपकी बात हुई, या बाद में अभी जैसे ये फिरोज़ की बात हुई, आपने फ़ोन उठा के कॉल करने की कोशिश की हो, पूछने की कोशिश की हो, बिकॉज आई अज्यूम कि आपकी दोस्ती होगी फिरोज़ जी के जी साथ। जी जी जी, ऐसा कुछ हुआ? फिरोज़ से दोस्ती है, मगर इतनी नहीं है कि मैं पूछूं कि क्या चल रहा है। बट ये कि जब बीच में इन लोगों की सेपरेशन की बात चल रही थी, मैंने पूछा था, तो ही वॉज लाइक नहीं सब ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगता ना आप किसी के पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, बट ये कि उनके घर की चीज़ें, अब वो ऑब्वियसली जब कोर्ट में चीज़ें चली जाती हैं तो मैं और आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। तो आई थिंक सोनिया, इस बात को भी बहुत एक तासुर है कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है तो आप उनके साथ काम ना करें। कुछ लोग समझते हैं कि आप काम ना करें तो बेहतर है, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मामला अदालत में है तो जब तक अदालत का फैसला आ नहीं जाता तब तक हमें कोई हतमी फैसला नहीं कर देना चाहिए उनको लेके। आप क्या सोचती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपको दोबारा मौका मिले, मोहसिन के साथ तो आप कर ही नहीं है, बट अगर आपको दोबारा मौका मिले फिरोज़ के साथ काम करने का या मोहसिन के साथ काम करने का, तब तक जब तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया, तो क्या आप उनके साथ काम करेंगी? मैं आपको बताती हूँ, जब मोहसिन की बात चल रही थी उस वक्त हमने एक वीडियो सॉन्ग किया था नबील कुरैशी के साथ,
बहुत अच्छा था, वो ऑनर किलिंग पे ही सॉन्ग था और वो मियामी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिले उसे. तो वो सॉन्ग लिटरली 2 साल तक वो फंसा रहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोहसिन का केस चल रहा था. प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि कोई भी कंट्रोवर्सी बने इसको लेके, हालांकि छोटे सा शॉर्ट था उसे. और मैंने उस टाइम पीरियड में ये चीज़ देखी कि उसको हर जगह से कैंसिल आउट कर दिया गया, उसको चैनल से निकाल दिया गया, उसको प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे थे. तो मतलब आई मीन ठीक है ये बात कि अगर किसी मियाँ बीवी के बीच के रिलेशंस ख़राब हैं, ठीक है आप आपस में उनसे बात करें, लेकिन आप किसी का रिस्क तो नहीं छीन सकते. मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कोई अच्छा अब उसको घर में बंद कर दो, अब इसको भूखा मार दो. ये मतलब अगर जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको थेरेपी की तरफ लेके नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर सच बात भी है तो आप उसको इस तरह से हेल्प करें कि चलो मैं तुम्हें किसी थेरेपिस्ट के पास लेके चलता हूँ, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, एग्जैक्टली, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, हम बात करते हैं इस चीज़ को, रादर ये कि उसको और प्रेशराइज किया जाए और उसको ज़िंदगी की तरफ से यू नो दूर किया जाए कि अब तुम्हें हम तो तुमसे बात नहीं करेंगे, अब तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं शक्ल. तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको सुसाइडल चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं. तो आई थिंक ये एक सही रिएक्शन नहीं है किसी चीज़ को हैंडल करने का. बाहर भी आप देखें प्रिजनर्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर उनको काम दिया जाता है, वो काम कर रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से रादर यहाँ पर जो मारे खा रहे होते हैं उससे इंसान और वायलेंट होता है, यू नो. तो दिस आई थिंक दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है और प्रिजनर्स की होती है. अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस भी करता है तो उसकी एक सर्टन मियाद होती है, जेल अगर होती है तो हर एक क्राइम का अपना एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद कोशिश ही होती है कि उन प्रिजनर्स को या जो भी मुजरिम है उनको सिखाया जाए, बताया जाए और कैसे बेहतर सिटीजन बनाया जाए. बिल्कुल. तो अगर आप बिल्कुल उनको स्ट्रेट ऑफ कैंसिल कर देंगे तो फिर हम तब्दीली कैसे लेंगे. बिल्कुल. और मैंने ये भी देखा कि मोहसिन के पास ऐसा भी टाइम आया था जब वाकई उसके पास पैसे तक नहीं थे खाने के लिए. तो मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है. मुझे बल्कि पता चला है आप बिल्कुल आप सही हैं एक तरह से कि किसी का रिस्क नहीं बंद कर देना चाहिए, उन्हें कम्प्लीटली शन ऑफ नहीं कर देना चाहिए. मोहसिन को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्सप्रेस पे ही पहला ड्रामा मिला था इसके बाद घमंडी के नाम से. सो ज़रूरी है कि अगर किसी के इस तरह के मसाइल हैं उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ exactly, बिल्कुल. क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ दो ही अप्रोच होती हैं. एक तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी ब्रेक में कि या तो माफ़ कर दिया जाए कि बेटा अपना घर बसा लो, चलो अपना घर मत तोड़ो, जाओ जाओ अपने शौहर के साथ, दोबारा कौन शादी करेगा, ये वाली एक अप्रोच होती है. दूसरी ये होती है कि ओ अच्छा इस बंदे को जान से ही मार दो सारी आवाम के, बस अब तो ये ज़िंदगी सी ख़त्म कर दो. तो आई थिंक ये दोनों जो चीज़ें ना दोनों बहुत एक्सट्रीम उस पर जाके दोनों ही ठीक नहीं है. कोई मिडिल रास्ता आपको अपनाना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है आपके स्पाउस से आपकी नहीं बन रही है तो जस्ट मूव ऑन, आप अलहदगी हो जाए. मतलब एक रास्ता है सेपरेशन का आप टाइम, और लेकिन वो भी जब होगा जब हम इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे, हम लड़कियों को सिखाएंगे कि जब वो पहली दफ़ा आप पे आवाज़ ऊँची करें तो आप उसी वक्त बताएं कि स्टॉप इट, आप मुझ पर चीख नहीं सकते. पहली दफ़ा आपके ऊपर हाथ उठाए तो आप उसको पहले से कह के मैं अपने घर चली जाऊँगी, आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. आप उस नहज पे क्यों लेकर आते हैं उस चीज़ को कि वो आपको अब्यूज़ करने लगे या मार मार के, कि उसको लगे कि अच्छा ये तो मतलब मेरी मार खाती रहेगी. बट कभी कभी और इसका भी एक तरह से इल्ज़ाम सोसाइटी के ऊपर ही जाता है कि लड़कियों को इतना डरा के रखा जाता है. हाँ. इतना इतने लंबे अरसे से लड़कियों को ये बताया गया है ख़वातीन को कि मर्द का घर ही तुम्हारा आखिरी घर है जी. और देर इज़ नो ऑप्शन, तुमने वहाँ से निकलना ही नहीं है. बिल्कुल. तो वो भी डरी सहमी रहती हैं और फिर वो मार खाती भी रहती हैं बहुत सारे केसेस में. तो ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है बेटियों को कि शादी अगर हो गई तो इसका ये मतलब नहीं, ये कुल आखिर आपकी ज़िंदगी का है. मतलब ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. आपके अगर एक स्पाउस अच्छा नहीं है, नहीं बन रही, तो दूसरा रास्ता होता है, दूसरी शादी भी एक ऑप्शन होता है. और इसमें ये कोई टैबू नहीं है, ये अच्छी बात है. रादर कि आप अपने बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, उससे अच्छा है कि खुश स्लूबी से आप अलग हो जाएँ और अच्छी कोई अच्छे पार्टनर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें. और किसी भी स्पाउस के गलत एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए. ज़रूर होनी चाहिए ऑन टाइम. हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए जी. और अगर किसी के जो गलत एक्शंस हैं वो क्रिमिनल हैं तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो भी एक अदालत है, जो एक प्रॉपर चैनल है उसको फॉलो करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए. बिल्कुल. हाँ, सज़ा के बाद अगर आप किसी को रिहैबिलिटेट करना चाहिए तो वो ज़रूर करना चाहिए, उसकी फैमिली करें उसे करें और उनको ज़रूर उसमें हिस्सा लेना चाहिए. ठीक हो गया. सोनिया, ये पता चला है कि आप कोई बहुत मेजर बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रही हैं. वुड यू लाइक टू कंफर्म और डिनाई दिस बिग न्यूज़? यस ऑब्वियसली, ये एक वेब सीरीज़ है जो टर्किश सिनेमा के लिए है और उसमें मैं एक
हीरोइन एडिक्ट का रोल प्ले कर रही हूँ. आई मीन आप देखेंगे तो आप पहचान भी नहीं सकेंगे, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना कोई मुख्तलिफ कैरेक्टर शायद अब तक नहीं किया है. सो इट्स फॉर टर्किश सिनेमा, लाइक इट्स टर्किश ऑडियंस के लिए या जॉइंट कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के साथ या क्या है? यू कैन से जॉइंट कोलैबोरेशन क्योंकि प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान के हैं और टर्किश जो टेलीविजन है वो भी इन्वॉल्व है क्योंकि चलेगा वहाँ पर और आप प्रॉब्ली डिजिटल पे भी देख सकेंगे. जबरदस्त यार ये तो बिग न्यूज़. और सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि वहाँ कोई ऐसा सेंसरशिप नहीं है, मतलब हर चीज़ आप दिखा सकते हैं. जो परफॉर्मेंस का ज़्यादा परफॉर्मेंस का मौका ज़्यादा है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेंट परफॉर्मेंस नहीं है. क्योंकि टीवी में तो ऑब्वियसली फैमिली बैठ के देख रही होती है तो आपको ये होता है कि अच्छा ये यूँ हो जाए, वो तो हीरोइन एडिक्ट है, वो ज़मीन पर भी मतलब क्रॉल कर रही है, तो वो अब सब शूट किया है हमने, बहुत अच्छा कैरेक्टर. तो इट्स लाइक अ सीरीज, मिनी सीरीज टीवी से, क्योंकि टर्की में तो बहुत लंबी लंबी एपिसोड्स, पांच छह नहीं, अभी तो 10 एपिसोड्स का है. okay. तो मिनी सीरीज है लेकिन जब ये होगा तो सीजन 2 भी इसका. तो आप वाहिद पाकिस्तानी एक्टर हैं जो इसका हिस्सा है या और भी हैं? नहीं, मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग एक्टर गौहर रशीद है. अच्छा. गौहर रशीद तो हम दोनों बेसिकली अफगानिस्तान से होते हैं तो वो सारा एक एनवायरनमेंट उसको शूट किया. गौहर तो इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर, बहुत मजा है, बहुत मजा. वेरी गुड एक्टर. सो माशाल्लाह ये वेब सीरीज है और इसके अलावा आपकी फिल्म आने वाली है दादल. yes. पिछली बार मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी, आपने बताया था आपने बॉक्सिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दी है. सो वो चल रही है अब तो, काफी टाइम हो गया तो. नहीं, अब तो आई थिंक तो बॉक्सर बन गई होंगी. अब तो जी अब तो नहीं, अब तो फिल्म 80% शूट हो गई है, बस आई थिंक क्लाइमेक्स रहता है शूट होना जो कि अभी कल से स्टार्ट होगा और हम टाइटल सॉन्ग कल शूट कर रहे हैं. उसका बहुत ही अच्छा टाइटल ट्रैक बना है, मतलब लिटरली कराची का जो लियारी का एक एसेंस है वो रैप सॉन्ग है. और ईवा बी ने जो हमारी बड़ी बहुत अच्छी फीमेल सिंगर हैं उन्होंने गाया, रैपर है, तो उन्होंने किया है. द पोस्टर लुक्स अमेजिंग, इतना अच्छा पोस्टर है मैंने देखा, बड़ा वो उसमें एक फील आ रही है वो वाली. बॉक्सर I'm coming for you. It looks really good. So all the best for that as well. Thank you. और ड्रामो में क्या आ रहा है, कोई एक और ड्रामा आने वाला आपका? हसन बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है. सुनिए बताएं. I want to know all about it. Please बताएं. हसन ऐसे मत देखे. Please. अच्छा मैं बताती हूँ. Okay. तो ये ड्रामा जो है basically अच्छा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी ये इस एरा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लड़कियां काम करना चाहती हैं, वो आगे आना चाहती हैं और उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी बहुत होता है, बट एट द सेम टाइम जब उनकी शादी की बात आती है तो उनको उनको सबसे ज़्यादा उन्हीं लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है जो काम करती हैं. उनको ये समझा जाता है कि ओ अच्छा लूज कैरेक्टर. नहीं, लूज कैरेक्टर के अलावा ये भी समझा जाता है कि अच्छा ये इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि ये हम घर को भी साथ चला सकें, पता नहीं बच्चे स्पॉइल हो जाएंगे, पता नहीं मेरे बेटे का ख्याल रखेंगी नहीं रखेंगी, हमारे फैमिली में फिट इन हो सकेंगी नहीं. ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ बना दी गई है कि आदमी जाके बाहर कमाएगा और औरत बस घर संभालेगी, जबकि अब 2022 चल रहा है, अब हर किसी को, बल्कि शुरू से ही कि सबको राइट होता है कि अपनी करियर को परसू करें, जो बनना चाहते हैं अपनी एक आइडेंटिटी लाएं. तो मुझे लगता है कि ये इंसान का एक बेसिक राइट है कि वो अगर दुनिया में आया है तो वो एक अननोन इंसान बन के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मतलब हम बड़े हुए हैं, हमारा सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट होना चाहिए. तो वो इसी बारे में कि लड़का भी काम करता है, लड़की भी काम करती है. अब लड़की का कहना ये कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने अपने, जैसे शादी के बाद तुम अपना काम कंटिन्यू करोगे, इस तरह मैं भी अपना काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ, दोनों मिलके घर भी चलाएंगे, दोनों मिलके बच्चों को भी संभालेंगे. तो ये उसके ऊपर है. ये आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस क्योंकि पता नहीं क्या वजह है हमारी सोसाइटी में बापों के ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है कि अगर घर चलाना है तो वो माँ नहीं चलाना है, और क्योंकि बाप बाहर नौकरी करता है या कमाता है तो उसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं. जी. क्यों भाई, क्यों नहीं है? जी. और नहीं, चलिए अगर आप खुद आपस में पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि चलो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं घर संभालूंगी, या आदमी कहता है चलो मैं घर संभालूंगा तुम घर चलाओ, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब ये कोई किसी एक के लिए तो हम स्पेसिफिकली नहीं वो असाइन कर सकते ये जॉब्स. तो इसका असल जो मकसद है ड्रामे का वो ये कि इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज करें
कि जिस तरह लड़के अपना करियर परसू करते हैं शादी के बाद, लड़कियां भी कर सकती हैं. और अगर लड़कियां जॉब करना चाहती हैं, लड़के घर बैठना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत नॉर्मल बात है, कोई टैबू नहीं है इसमें. तो इस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए. अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं, इसमें कौन है आपके साथ, आपके हस्बैंड का रोल फिर कौन प्ले कर रहा है? तो बेसिकली ऐसी लड़की को हस्बैंड मिलना तो मुश्किल होता है. असल जिंदगी में मुश्किल है. तो लेकिन नहीं, इवेंचुअली लेकिन इवेंचुअली नहीं, अंडरस्टैंडिंग लोग भी होते हैं, मतलब आप अच्छे लोग भी होते हैं और लिबरल लोग भी होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग रखने वाले भी. तो मिलेगा इसको आगे जाके, काफ़ी आगे जाके. मगर ये कि तो कास्ट अभी आप नहीं बताएंगे? हस्बैंड जो है बेसिकली अभी कास्ट, हस्बैंड नहीं, वेट से कास्ट में और कोई? कास्ट में हमारे साथ बुशरा अंसारी हैं, अच्छा, शहजाद शेख हैं, अनम चौधरी हैं, और बहुत बड़ी कास्ट है, काफ़ी लोग हैं. और इसका नाम वाम कुछ, रिलीज डेट अभी? इसका नाम है जिन्हें रास्ते में खबर हुई. जिन्हें रास्ते में खबर हुई? रास्ते में मतलब सब कुछ सही चला, रास्ते में अचानक खबर होती है कि वो लड़की तो अपना करियर करना चाहती है, तो मैं इससे शादी नहीं कर सकता. इंटरेस्टिंग, जबरदस्त. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जिन्हें रास्ते में खबर हुई. ऑल्सो इतना लंबे लंबे नाम होने शुरू हो गए ना हमारे ड्रामों के, छोटा हो गया. खबर हुई, खबर भी हो सकता था. एनीवे, थैंक यू सोनिया फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चन इतने कैंडिडली, थैंक यू. अब हम एक गेम खेलने लगे, इस गेम का नाम है डेंजर डेक. इसका नाम ऐसा है और ये बड़े, लेकिन बड़े मजे के, डेंजरस नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे अच्छे और मजे के सवाल हैं. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, अभी आपसे पूछता हूँ कि कभी मैच मेकर्स के थ्रू कोई रिश्ता आया आपका? मजे का ना. और रिश्ते वाले आंटी हम देखते हैं ना ड्रामों में जो आती हैं, तो उस तो कोई आंटी आई हो कभी घर पे और आपकी अम्मी को बोला हो कितनी प्यारी बेटी आप, मेरे पास एक रिश्ता है, लड़का आया दुबई से, आया आज ही आया दुबई से. तो ये सवाल है ये? हाँ. अच्छा. नहीं, बहुत शुरू में जब मैं आई थिंक कॉलेज में होती थी, तब तो बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे और ऐसे ही आते थे. तो वो आते थे, बैठते थे, अब वो जाके चाय लेके जाना, ऐसे वाकई में ड्रामों की तरह चाय लेके बिस्किट. एक्चुअली ऐसा होता था और मुझे शर्म आती थी. मैं लड़कों, मैं बस ये देखती थी, अच्छा लड़के ने इस कलर की पैंट्स पहनी हुई है. उसके ऊपर मेरी नजर ही नहीं जाती थी. बट नहीं, वो इवेंचुअली किसी से हो ही नहीं सका, क्योंकि मेरे अब्बा इतने स्ट्रिक्ट है. अच्छा क्या करते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं हो इस तरह से? तो वो लड़का इतना डर जाता था, वापस ही नहीं आते थे. मगर ये कि हाँ, बहुत वो ऐसा नहीं होता था पिलर के पीछे से छुप के आपने देखा हो किसी को और एक आध बार आपको पसंद भी आ गया, हाँ ये तो अच्छा है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़के पसंद ही नहीं थे शुरू से, मतलब. मैंने कुछ नहीं कहा, आप खुद ही हंसी हैं. मैंने कुछ नहीं कहा. नहीं मतलब आई मीन मुझे बहुत कम जो होते हैं वो, ज़रा मुझे बेसिकली अपेरेंस वाइज इतना लोग नहीं अट्रैक्ट करते. इंटेलेक्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, कि जब तक आप कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे और आपको ये ना लगे कि हाँ मैं ऐसे हाय हाउ आर यू के अलावा भी कोई बात कर सकती हूँ, तो तब तक आपको वो बात फील. यू शुड बी एबल टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन. यस एक्चुअली लाइक मी. सेलिब्रिटी होने की वजह से आपने कोई फायदा उठाया? अक्सर ऐसे होता है ना, जैसे चेक इन कर रहे होते हैं तो देख के ओ सोनिया हुसैन, या वन है, हियर यू गो, बोर्डिंग पास ही, मतलब सीटी आगे मिल जाती है. उफ़ अल्लाह हसन, पूछे मत, इतना फायदा उठाया. बताएं मतलब आज तक जो मैंने अपनी सर्विसेज के पैसे दिए, मतलब कपड़े छपड़े हर चीज, सब कुछ ही, लाइफ स्टाइल ही फ्री है. मुझे लगता है जिससे भी शादी की तो बहुत ही लकी होगा, सब कोई पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ होता है, बहुत फायदा होता है. बट ये कितनी रिफ्रेशिंग बात है कि आप एटलीस्ट बता रही हैं. ये लोग तो नहीं बताते, लोग तो कहते नहीं नहीं हमने तो कभी नहीं, नॉट एट ऑल, कभी ऐसी कोई बात की हो कि मैंने अपना नाम लिया हो कभी? नहीं, एक दफ़ा एक्चुअली हम किसी क्यू में भी थे एयरपोर्ट पे कहीं पे, तो किसी ने, कोई मेरे पीछे ही पैसेंजर थी, यूजुअली तो वो कहते हैं ना अच्छा नहीं नहीं आप भी इधर, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप भी, नहीं नहीं आप पहले जाएं, आप पहले जाएं, पहले पहले करके मैं सबसे आगे भेज दिया. मैंने कहा अच्छा चलो अल्लाह ने इतना वो दिया है तो बाय नो. अल्लाह की रहमत है भाई, अल्लाह ने इज्जत दी है, बिल्कुल सही बात है. अच्छा जी, What's your take on the Me Too movement? एकदम सीरियस सवाल आ गया बीच में यार, क्या कहाँ से कहाँ ले जाते हो हमें, एकदम सीरियस सवाल आ गया. What's your take on the Me Too movement?
मीटू मूवमेंट की देखिए अभी जैसे हमने बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे हमने बात की हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपको इनिशियल स्टेज पर ही इस बात को एड्रेस करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये शुरू ही जब होगा जब हम अपने ड्रामास के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, या इस तरह की जैसे आप मुझसे भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ये कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हमें, हाँ, डे वन पे ही हमें जब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही हो या आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि लड़कियों को तो पता लग जाता है ना कि दूसरा बंदा आपको किस तरह से एड्रेस कर रहा है. तो मुझे लगता है कि वो उनको वो करेज देने के लिए माँ बाप को शुरू से समझाना चाहिए कि इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप हमसे आके बात करेंगे, या इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप उसको कह देंगे कि से नो टू द पर्सन कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है. तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की बस ज़रूरत है. मेरे ये बहुत ज़रूरी है कि हम करेज दें लड़कियों को, बच्चियों मतलब यहाँ तो उन्हीं खवातीन को जो बोल रही है उनको इतना शेम किया जाता है कि अच्छा यही गलत औरत है, मतलब यही गलत होगी और ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसको तो पब्लिसिटी चाहिए या ये वाली चीज़ें. तो ये मुझे लगता है कि बहुत बुरी हमारी एक सोसाइटी की अप्रोच है. लेटली आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और एक पाकिस्तानी फिल्म जो आपको अच्छी ना लगी हो? पाकिस्तानी फिल्म मैंने लेटली कौन सी देखी है? अरे मैंने मौला चट की बड़ी तारीफ सुनी है. आपने देखी? मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन मैं देखने जाऊंगी. मैंने लास्ट देखी थी फहद मुस्तफा की एक्टर इन लॉ. अच्छा, एक्टर इन लॉ? जी. इससे पहले उसके बाद फिल्म ही नहीं देखी आपने? इतनी पुरानी तो नहीं है. हाँ, अभी तो कायदे आज़म उसके बाद कितनी फिल्म्स आई हैं? बहुत फिल्म है, एक्टर इन लॉ तो बहुत पहले आई. अच्छा, तो लेकिन मैं वो मुझे अच्छी लगी थी फिल्म. अच्छी और कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी आपको नहीं पसंद आई? होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, नाम नहीं लेना चाहेंगी, ये लिस्ट लंबी है थोड़ी सी. अच्छा सोनिया, आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में क्या थॉट्स है? आपने खुद कभी ऑप्ट किया इसके लिए, और आपको लगता है कि जो एक्टर्स ऑप्ट करते हैं, इज इट ओके इन योर ओपिनियन? आपकी क्या सोच इस बारे में? आई मीन, अगर एक चीज़ अवेलेबल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं. मैं अगर मौका आया थोड़ी बड़ी आपा बन जाऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी. मतलब यू आर ओपन टू द आइडिया कि अगर कभी करानी हुई तो इट्स योर ओन चॉइस. आप किसी का अगर दिल चाहता है कि वो जिस तरह से एज कर रहे हैं वैसा ही दिखे, और यू नो रिंकल्स के साथ आप उसको फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बोटॉक्स कराऊं और मैं हमेशा यंग दिखूं, 16 इयर्स का दिखूं, तो वो उनकी मर्जी. मतलब ये आई थिंक बड़ी पर्सनल चॉइस होती है. मतलब हम इस बारे में किसी को कॉमेंट नहीं कर सकते. आपने अभी तक ऑप नहीं किया? नहीं, मुझे क्या जरूरत. आई सेकंड यू, आपको कोई जरूरत नहीं है. अच्छा भाई, टिंडर पे कभी अकाउंट बनाया आपने? नहीं. मैं सुना टिंडर पे बहुत चीप लोग होते हैं. चलो एटलीस्ट आपको पता है कि टिंडर है क्या. टिंडर अब एक्चुअली आई जस्ट रिसेंटली गॉट टू नो कि एक कोई मुस्लिम ऐप भी है जिसमें सिर्फ मुसलमान होते हैं. मूज ऐप आई थिंक. हां नहीं, आई थिंक इट्स मिंडर शायद, मिंडर मिंगल समथिंग. पता नहीं, आप सोचे आप कितने हलाल किस्म की ऐप्स बन रही हैं. तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि हां देयर इज एन ऐप बंपल के नाम से. टिंडर तो नहीं, आई एम नॉट, मैं हो ही नहीं सकती, और होंगी भी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा. बट नहीं, क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड की एक अभी शादी हुई है तो उसकी बंबल के थ्रू शादी हुई. अरे वाह यार, ये तो बड़ी मजे की बात है. बड़ा अच्छा लगा. वुड यू वांट टू बी ऑन अ डेटिंग ऐप एवर? आई मीन आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट, मगर नॉट इन पाकिस्तान, बिकॉज़ लोग मानेंगे नहीं शायद कि सोनिया इज. हां एग्जैक्टली. बट नहीं, आई थिंक जब रेडी होंगी उसके लिए तो ठीक है. Have you ever been on a blind date? Blind date पे गई हैं कभी आप? नहीं, never. Never. Blindly तो किसी में फोन पे बात नहीं कर सकता. यार ये अच्छा है, आप बड़े अच्छे जवाब दे रही सोनिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे. अच्छा, कभी किसी एक्टर की लाइंस कटवाई हैं आपने या कम करवाई हैं किसी और एक्टर की? आपका नहीं मैं पूछ रहा, आपकी कटी है? नहीं, मेरी तो नहीं कटती लाइंस, क्योंकि अच्छी कटती भी है. नहीं, लिटरली कटती, क्योंकि बहुत दफ़ा सीन्स बहुत प्रोलॉन्ग किए हुए होते हैं, फजूल लाइंस होती हैं रिपीटेड, तो मैं खुद ही काट देती हूँ अपनी लाइंस काफ़ी सारी. मगर ये कि नहीं, दूसरे एक्ट्रेस की मैंने कटवाई नहीं, लेकिन कभी कोई फजूल इम्प्रोवाइज कर रहा होता है तो मैं कहती हूँ प्लीज़ सीन ड्रैग हो रहा है, मत करें. मतलब आप बता देती? हाँ मैं बता. और नहीं, एक्ट्रेस के साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती है, वो समझते हैं कि नहीं ये सही कह रही है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, कभी आपको अपने अपीयरेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म मिला है, या व्हेन यू ट्रैवल, और कभी आपने कोई रेसिस्ट बिहेवियर इनकाउंटर किया? एक्चुअली मैं सुना बहुत है कि रेसिसिज्म बहुत होता है एशियंस को लेके,
लेकिन नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट मिला है. मतलब शायद पाकिस्तान में कभी रेसिसिज्म मैंने फेस किया भी हो, लेकिन बाहर तो जाती हूँ ना, ओफ तो पागल होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्शन के पीछे, हमारी मतलब जिस तरह का हमारा एक फिजिक एक्जॉटिक ब्यूटी कह रहे हैं, ये कौन है एक्जॉटिक ब्यूटी? नहीं, क्योंकि वो बाहर बहुत ज़्यादा कर्वी लोगों को और डार्क स्किन को बहुत पसंद किया, वीट स्किन को बहुत पसंद किया जाता है, तो बाहर तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. यहाँ ये होता है कि हाँ, कभी बाहर से पिक्चर कोई मैं अपना नेल कलर की पिक्चर पाँव की लगा दूँ, हाँ इतने काले काले पाँव तो ये होता है. तो मुझे लगता है इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्शन पे नहीं मखसूस है, ब्यूटी जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है वो बनाती है. आप हर्ट होती हैं इस तरह की कमेंट से? नहीं नहीं, मैं क्यों हर्ट हूँ? नहीं, मतलब अगर किसी के अंदर इतना इतनी नॉलेज नहीं है या इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो सही बात को समझ सके, तो मुझे तरस आता है, हर्ट होने की तो बात नहीं है. सोनिया लाइक आई हैव गॉट इट एंड आई विल फ्लॉन्ट इट. मुझे किस बात का मुझे किस बात की परवाह है. एक और गेम खेल का वक्त हुआ है और वो गेम खेलने के लिए हमें जाना पड़ेगा वहां पे. तो आए, प्लीज फॉलो मी सोनिया, लेट्स गो. बड़े मजे की गेम है. सो जैसे आप देख सकती हैं, ये डार्ट बोर्ड है और यहाँ पे आपके सारे दोस्तों की तस्वीर हमने लगाई हुई है. आई कैन सी दैट, है ना? और ये डार्ट्स हैं, आपने डार्ट्स फेंकने हैं. जिस किसी की तस्वीर के ऊपर या तस्वीर के करीब लगा, उसके बारे में आप हमें एक अच्छी बात बताएंगी और एक बुरी बात बताएंगी. बुरी बात क्या बताऊं? नहीं, जो भी, मतलब एक दोस्तों के बारे में, गुड क्वालिटी एंड अ बैड. किसने बनाया ये? मैंने नहीं बनाया. जिस किसी ने बनाया, बट मैंने नहीं बनाया. चले जी, बिस्मिल्ला. वैसे मेरा निशाना इतना अच्छा है नहीं. कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई करती हूँ. ओके, यहाँ से यहीं से आगे आगे हो जाए, कोई मसला ही नहीं. ओके गो. यासिर, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू. यासिर की अच्छी बात, यासिर की अच्छी बात ये है कि यासिर, मतलब ये यारों का यार है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है. और ये बिल्कुल भी मुझे लगता है कि मतलब जो भी बात है ना, उसमें बहुत बहादुर है, कर देता है सामने, अप फ्रंट कर देता है ना. आपने दबंग है, हाँ, दैट्स द राइट वर्ड आई थिंक. बुरी बात क्या है? बुरी बात ये है कि मुझे लगता है शादी के बाद इसने थोड़ा सा बात करना या मिलना जुलना कम कर दिया. तो मुझे लगता है वो उसको, ऑब्वियसली शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तो मुझे लगता है वो बस दोबारा से दोस्तों से और मिलना चाहिए. बाकी बुरी बात तो नहीं है. ठीक, ओके. अब किसकी बारी आती है? वातीन हजरात, ये है सोनिया. सोनिया के हाथ में डार्ट है, डार्ट बोर्ड की तरफ डार्ट जा रहा है और ये उसने हाथ उठाया और ये डार्ट लगा इकरा हुसैन के करीब. थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू. काफी सारे डार्ट्स हैं सोनिया. नहीं, वो ये सारे करने? जी जी, हम करेंगे ना. क्या मतलब? अच्छा, इकरा के बारे में बताएं. इकरा की अच्छी बात ये है कि इकरा, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस. और मुझे इसकी एक्टिंग की अच्छी बात ये लगती है कि आंखों से एक्सप्रेशन देती है. बहुत कम एक्टर हैं जो अपनी आंखें यूज़ करते हैं, तो यू नो ये बहुत अच्छी बात है. बुरी बात क्या है? एक तरह की बुरी बात तो कोई भी नहीं है. मतलब मैं इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ कि इसने अगर थोड़ा सा काम भी कम किया है तो अपने बेबी की वजह से कम किया या अपनी उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही है, तो वो भी एक अच्छी बात ही है. मे बी ये कि यासिर को बोलें कि वो दोस्तों के साथ और सोशलाइज करें. इकरा मना नहीं करती, यासिर खुद नहीं. ठीक है, ये तो नहीं आज खत्म होगा, मतलब ये सब तो नहीं हो सकता. कितने अच्छे निशान है, दोबारा इकरा पे. नहीं नहीं, फिर हम उर्वा, ओहो उर्वा हुसैन, प्रोड्यूसर ऑफ टिच बटन. एक अच्छी बात उर्वा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अच्छी बात ये है कि बहुत कम एज में इसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये प्रोडक्शन देख रही है, वरना आई थिंक सबके अंदर इतना ज़्यादा यू नो करेज नहीं होता कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी बड़ी टीम को लेके चले. तो ये एक स्टेप लेना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो ये अच्छी बात है. ओके, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सोनिया ने अपने दिल का इजहार बड़े ऑनेस्टी के साथ किया. आगे बढ़ते हुए एक और डार्ट, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है. अच्छा, ट्राई तो करें अभी. ओके, ओ इकरा, एक दोबारा दोबारा. नहीं ना, नहीं ना, प्लीज ना. अच्छा, मतलब जाहिद, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री के किस्से बहुत मशहूर हैं, क्या कहना चाहेंगी जाहिद के बारे में? जाहिद की अच्छी बात ये है कि जाहिद का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है.
अच्छा, बहुत ही कमाल है. मतलब लोगों को लगता है कि शायद जाहिद जो है बहुत एक सीरियस और माचो मैन टाइप का बंदा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसकी जिससे दोस्ती है ना, वो हंसा हंसा के पागल कर देता है, तो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. बुरी बात ये है कि मुझे लगता है थोड़ा सा रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है, और ये बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को मार्जिन नहीं देता अपने करीब आने का. तो मुझे लगता है इसको वो करना चाहिए कि इंटरेक्ट करेगा तो आपको पता लगेगा दूसरा इंसान कैसा है. जैसे उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का आपको पता है, बिकॉज आप क्लोजली जानती हैं, आपकी दोस्ती है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता. तो अगर वो थोड़ा सा ओपन अप कर जाए तो ज़्यादा लोग वुड नो अबाउट हिज पर्सनालिटी. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक लोग मिसअंडरस्टैंड भी बहुत करते हैं यार जाहिद को. अच्छा, मैं तो देख देख के डर रही हूँ इसको. नहीं नहीं, क्यों, आप उधर देखे ना, तस्वीरें इतनी थोड़ी. चलो, मैं सबसे मुश्किल वाला तो गुजर गया है. वो कौन सा था? फरियाद. फरियाद से तो आप. यस यस. आप किसको अवॉइड करना चाह रही हैं? मैं आपको बताऊं, अभी मैं ना कनाडा में थी, मुझे हाइट फोबिया बहुत ज़्यादा है. जी जी जी. तो वो एक बंजी जंपिंग करनी थी, और मैं कहती ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड, लेकिन मुझे करनी थी क्योंकि मुझे डर लगता है. तो ये आपने मुझे आज ये सारी चीज़ें कराई हैं ना, कुछ सही है इसके बाद डर. अच्छा, मुझे लगा आप बंजी जंपिंग करने जा रही हैं, तो फरियाल ने आपको बोला आओ सोनिया मैं आपको गोद में लेके जंप करती हूँ आपके साथ. आप मुझे वो कर भी सकती हैं? हाँ बिल्कुल. मतलब क्यों नहीं. हाँ मतलब आपने देखा किस तरह उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है सबके सामने, और किस तरह से हक किया, कम्फर्ट किया बहुत जी. तो एग्जैक्टली माई पॉइंट कि वही बात होती है कि जब आपके दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो रादर उन चीज़ को बढ़ाने के आपको चाहिए कि आप बस एक फ़ोन करें और बात क्लियर कर लें. तो शायद बुरी बात से मैं आऊँगी. बुरी बात ये है कि एक इवेंचुअली एक जनरल बात थी, मैंने कहा कि बेचारी औरत का टाइटल नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको बहुत पर्सनल लिया और बहुत कॉन्ट्रोवर्सी बन गई उस बात की. तो नहीं होना चाहिए था उसको, आपको डायरेक्ट मुझे कॉल करनी चाहिए थी, रादर यू नो पुटिंग इट ऑन योर स्टेटस और फेसबुक पे सबको टैग करना, ये अच्छी बात नहीं है किसी चीज़ को बढ़ा देना. लेकिन अच्छी बात इनकी ये है कि जैसे मैंने उस दिन देखा स्टेज पे थी, ये चाहती तो रिजर्व होके भी खड़ी हो सकती थी कि मेरे इसके बीच में इतनी दोस्ती नहीं है, मगर नहीं, उसने खुद इनिशिएटिव लिया, उसने मुझे गले लगाया. तो बात उसी रात हम आफ्टर पार्टी में मिले और सारी बात क्लियर हो गई. क्लियर. तो दिल की अच्छी है. दिल की अच्छी है. फिर यार अब क्या करूं? Go for it. कोई बच्चा ही नहीं. दो तस्वीरें रहेगी. अच्छा, तो आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि किस किस पे करना है. फिरोज. फिरोज. एमन. एमन की तरफ ज्यादा है. एमन की तरफ है. हाँ. एमन की अच्छी बात कि एमन की जो बेटी है ना, वो मुझे बहुत अडोरेबल लगती है. मतलब मैं एमन को कितनी दफ़ा फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ मेरे घर छोड़ जाओ इसे मिनसा के साथ. तो ये मुझे ये एमन की भी अच्छी बात है. और मुनीब की भी मैं एक्चुअली एमन आई एम नॉट फ्रेंड्स विद हर, मगर जब से इसकी बेटी हुई है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये अपनी बहुत दोस्त लगने लगी है. तो मैं ये एक अच्छी बात है. बुरी बात तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन सोशल मीडिया पे होना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से. कुछ चीज़ें आपको अपने तक ही रखनी चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने व्यूज़ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपना अपने तक रखना चाहिए. तो हर चीज़ नहीं बोलनी चाहिए. और अब आई थिंक इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल भी किया इस चीज़. एमन इतनी आउटस्पोकन अब है भी नहीं. अब है नहीं. हाँ, तो जो कि अच्छी बात है. ये थी हमारी गेम डार्ट बोर्ड वाली. अब हम सोनिया मूव करते हैं वापस. अच्छा था. हाँ, बहुत अच्छा. सही था. बहुत अच्छा. आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया. अब हम मूव करते हैं वापस अपने सोफे की तरफ, और सोफे में जाके हम आपके साथ दो मजीद गेम्स खेलेंगे. कैसा? ये द टॉक टॉक शो भी है, बट ये द गेम गेम शो भी है. तो डेंजरस है सारे गेम्स. नहीं, इतने मजे की गेम्स खेली हमने. अच्छा, दिस इज रियली फन गेम. मैं आपको कुछ मूवी के टाइटल्स इंग्लिश में बताऊंगा. सो आपने उससे गेस करना है कि ये मूवी का नाम क्या है. ओहो, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगा. क्यों? किसी मूवी का नाम नहीं पता. चले, कोशिश करते हैं. सिर्फ आप लैंग्वेज से ये सोचिएगा कि इसका क्या टाइटल बन सकता है. ठीक है, ठीक है. Whenever flower bloom, या whenever flowers bloom. ओ, बस ये, this is the title. Whenever flowers bloom. जब फूल खिलते हैं, कौन सा टाइटल? Close. जब whenever flowers bloom. पाकिस्तानी फिल्म? या पुरानी फिल्म है? या वो पुरानी फिल्म है. मतलब मोमर आना के जमाने की है. जब दिल मिले.
whenever flowers bloom. जब फूल खिले. जब जब फूल खिले. जब चलो चलो ये तो ठीक है. एक एक जब आपने मिस कर दिया. जब जब फूल खिले. Whenever whenever flowers bloom. अच्छा अच्छा जब जब फूल खिले. ठीक है. Servant of wife. Oh. बीवी. Servant of wife. Servant or wife. Servant of. Servant. Oh. बीवी. जोरू का गुलाम. नहीं. बेगम का गुलाम. नहीं. बेगम का. पंजाबी टाइटल है. चले. ओ पंजाबी है. जोरू तो पंजाबी में ही कहते हैं. नहीं. अच्छा. पंजाबी में बेगम को क्या कहते हैं. ओ वोटी. या. You're so close. Come on. वोटी. Servant. वोटी दा. हाँ. वोटी दा servant. वोटी दा नौकर. So. नौकर. हूँ वोटी दा. नौकर वोटी दा. ये कितना अच्छा. मैं आप मुझे ना underestimate कर रहे हैं. I'm a tough teacher. I'm a tough teacher. अच्छा जी. कितना अच्छा टाइटल है ये. ओ कितना नौकर वोटी दा. सैटिस्फैक्टरी टाइटल. टैटू ऑन माय हैंड्स. मेरे हाथ. बेबी पंजाबी टाइटल है. नहीं उर्दू. उर्दू. मेरे हाथ पे. यही है. मेरे हाथ पे. मेरे हाथ टैटू. मेरे हाथ और हिना. हिना. हिना वाले हाथ. बट नहीं मैंने आपको हिना दिया. मैंने इंग्लिश में हिना बोला आपको. अच्छा. मेहंदी वाले हाथ. मेहंदी लगी मेरे हाथ. अच्छा. ये नहीं. I can't give this one to. ये कैसे टाइटल. अच्छा ये आपका. ये this one's really great. Okay. Boy is being spoiled or corrupt. Boy is being spoiled. मुंडा बिगड़ी जाए. ये तो ना सुना है. अच्छा. Beauty or charmer will be agreed. Yeah, beauty. Beautiful person will agree. Beauty or charmer will be agreed. Beautiful person will agree. Haseena maan jayegi. Thank you. Acha, ye bhi aapko pata chal jayega. Castle. Acha naam hai. वैसे मैंने कभी सुने नहीं. अच्छे नाम. Castle of my dreams. मेरे ख्वाबों का क्या कहेंगे. मेरे ख्वाबों का कासल. महल मेरे सपनों का. अच्छा. ओके. चले ये आपको नहीं मिलेगा. चले. आहा. लाफिंग टीयर ड्रॉप्स. खुशी के. नहीं लाफिंग टीयर ड्रॉप्स. लिटरल ट्रांसलेशन करनी है आपको. अच्छा. हंसी. क्लोज. लाफिंग टीयर ड्रॉप्स. जो टीयर ड्रॉप्स है वो लाफ कर रहे हैं. सो लाफिंग टीयर ड्रॉप. ओ हंसते हुए आंसू. हंसते आंसू. वाकई में. आई लाइक हंसते आंसू. किसकी फिल्म है ये. ये पता करवाते हैं. लास्ट वन. फॉर गॉड सेक. खुदा के लिए. जबरदस्त सोनिया. वेल डन. सो आपने एक दो. मैं दो ठीक नहीं दिए. बाकी तो सब ठीक. तीन चार पांच. नहीं ठीक. छह मुझे लगता है कि आपने ठीक सही किया. वेल डन. वेल डन. थैंक यू. क्या मजा आया उनके साथ खेल के. आप लोगों ने कहीं नहीं जाना. वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. वे ब्रेक से वापस आके आपको सोनिया के बारे में कुछ और मजे मजे की बातें बताते हैं. स्टे विद अस. वी विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. सोनिया हमें yes. पता चला है आपके कुछ हिडन टैलेंट्स के बारे में. नंबर वन यूर अ स्क्वॉश प्लेयर. यस. ये क्या सीन है. फिटनेस का राज भी है माशाल्लाह आपकी हमें पता लग गया है. लेकिन स्क्वॉश
वेरी डिफिकल्ट गेम. अब तो शायद बहुत कम कर दिया, लेकिन पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी. मुझे पहले बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलती थी, बस स्क्वाश जब से इंट्रोड्यूस हुआ. आई थिंक इट्स बीन लाइक 7-8 इयर्स नाउ. अच्छा, स्क्वाश खेलती हूँ. हाँ जी. शुएब कहते हैं कि हाँ कभी चलो मैच करते हैं. शुएब को भी बड़ा शौक है इसका. ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा शुएब को शौक, बट ये कि नहीं. शुएब मलिक की बात हो रही भाई. तो वो एक बात बताएं, मुझे पता चला था एक बार शुएब मलिक आपके घर आए तो आपकी अम्मी को लगा कि ये आपका कोई रिश्ता आ गया. नहीं, ये क्या बात है यार. अम्मी मेरे पेरेंट्स जो है बहुत मासूम है, उनको तो पता भी नहीं क्रिकेटर है. तो वो कोई भी लड़का जो उनको थोड़ा शरीफ और सीधा लगता है, ज़रा लगता है कि अच्छा अम्मा अब्बा के ज़रा तमीज़ से मिलता है, तो वो पहले फ़ौरन पूछते हैं सुनो शादीशुदा तो नहीं. क्यूट. तो वैसे एक क्यूट कॉन्वर्सेशन थी. अच्छा, आपने पाकिस्तान चाइना के दरमियान होने वाले किसी आर्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और आपकी पेंटिंग दोनों कंट्रीज में जो कॉम्पिटिशन था उसमें सेकेंड नंबर पे आई, सेकेंड पोजिशन पे. Yes, यार ये क्या सीन है, ये भी नहीं पता मुझे आपके बारे में. बेसिकली मुझे आर्ट का बहुत शौक है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत जल्द इसको एज अ करियर भी परसू करूँ. अरे जबरदस्त. आई थिंक गॉड गिफ्टेड, मैंने कभी सीखा नहीं, लेकिन सीख के फिर उसको करना शुरू करूँगी. मुझे बहुत पसंद है स्केच करना, पेंटिंग बनाना. तो आप स्केच करती हैं अक्सर लोगों के, दोस्तों के बनाती हैं आप? नहीं नहीं, नॉट रियली, क्योंकि वो बेसिक एक चीज़ें जो होती हैं वो तो मुझे नहीं पता, तो वो सीखनी पड़ेंगी. लेकिन खुद से जो मैं बना लेती तो ठीक बना लेती. अरे जबरदस्त. बट बगैर सीखे नंबर टू पे आप पाकिस्तान और चाइना के बीच में कॉम्पिटिशन में आई, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है. इसके अलावा और क्या क्या टैलेंट्स हैं सोनिया आपके? टैलेंट्स तो बहुत है. आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे. एक टैलेंट जो मुझे पता है कि माशाल्लाह आपके अंदर जो स्किल है एक्टिंग की वो तो अनबीटेबल है. अरे थैंक यू. लेकिन आप डांस भी बड़ा जबरदस्त करती हैं. आ जाए फिर ऐसे थोड़ी. आपका जो गाना जिसकी हम बात करें, डांस भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों नहीं. मैंने बोल दी आपका गाना जो आजकल इतना पॉपुलर है, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपसे इजाजत लेते लेते उसके कुछ स्टेप्स हो जाएं. लेकिन इससे पहले कि हम गाना बजाएं, आई रियली वांट टू थैंक यू सोनिया. थैंक यू, इट वाज सो 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 मच फन हसन. थैंक यू. और आप बहुत, दोबारा कहूंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं. सैड सेट बहुत अमेजिंग है, मतलब सब अच्छा. थैंक यू सो मच. मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूंगा कि जो मैंने सवाल आपसे पूछे, मैंने बड़े दिल से पूछे और आपने उतने ही दिल से उनका जवाब दिया और बड़े कैंडिडली जवाब दिया. सो जो लोगों के दिमागों में भी कुछ एक चल रही था, तजस्सुस चल रहा था कि भाई कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आप उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी. ऑन दैट नोट, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें अपने फैंस को, देखने वालों को. बस मैसेज क्या, बस मोहब्बत करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और करते रहें मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत से ज़िंदगी आसान हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है. जिंदगी नाम है मोहब्बतें बांटने का. ऑन दैट नोट म्यूजिक. मैं हम क्या करें, मैं हीरो मैं क्या डांस करूँ उस पे? कुछ आपको याद है? नहीं कुछ भी याद है. वैसे करते मैं, आप घुमा ले मुझे. Love me, 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 love me